हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बिग फन के BF430A1 इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग रिव्यू और इसके कंप्लीट फीचर्स हम जानेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे बच्चों के लिए इस पैंडेमिक टाइम में उनको किसी अच्छी म्यूज़िक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखने के लिए। और साथ ही बच्चे सबके घर में होते हैं, बच्चों को बर्थडे पर या किसी स्पेशल ओकेजन पर आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये है हमारे बॉक्स का पैकेजिंग। इसको काफ़ी अच्छे से थर्माकोल की डबल शीट्स के साथ चारों तरफ टेपिंग करके बहुत ही सिक्योरली पैक करके भेजा गया है ताकि ये शिपमेंट में डैमेज ना हो। तो मैंने इसको मंगाया है अमेज़ॉन से और ये आपको लगभग 500 से 1000 के बीच की रेंज में ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है सेलर्स पर, सबके डिफरेंट प्राइस हैं। मुझे ये मिला है 899 में। एंड साथ ही मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा amazon.in का बिल। और इसका बॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और साथ में ये स्ट्रैप भी इसमें दिया हुआ है। ये होल्ड करने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है इसके थ्रू। तो ओवरऑल पैकेजिंग के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स इसके नेम मॉडल नंबर के साथ में इसके कंप्लीट फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे किस फंक्शन का क्या काम है, किसकी का क्या काम है। साथ ही में इसके हमें ये माइक्रोफोन भी मिल जाता है जिसके थ्रू हम अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, उनमें स्पोकन क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो बॉक्स से अनबॉक्स करके देखते हैं और क्या क्या इसके साथ प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ हमें मिला है एक बी टाइप का केबल। किसी भी चार्जर का बी टाइप केबल से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली डीसी के थ्रू आप इसको कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। और साथ ही इसकी क्वालिटी आप देखिए काफ़ी अच्छी है, वेट भी काफ़ी लाइट वेटेड है। तो अब मैं इसको आपको पहले डीसी से कनेक्ट करके दिखाती हूँ। ये इसका पोर्ट है, इसको कनेक्ट कीजिए चार्जर के थ्रू। ये है हमारा पियानो, इसका बैक साइड आप देख लीजिए। बैक साइड ये डीसी से कनेक्ट है। साथ में यहाँ पर आपको बैटरी ऑपरेटेड ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसको बैटरी के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट डीसी से कनेक्ट करके। और यहाँ पर है इसका ये माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का जैक भी 3.5 mm वाला इसका जैक है ये, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट होगा। अभी मैं आपको इसको पावर ऑन करके बताती हूँ कैसे। ये इसका पावर बटन है, यहाँ से इसको हम पावर ऑन करेंगे एंड अब ये प्ले होने के लिए रेडी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 8 बटन्स, ये हैं टोन बटन्स। ये यहाँ पर 8 टोन बटन्स हैं। ये यहाँ पर जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ये 8 राइम्स बटन हैं। तो टोन इसमें T1 टोन, अगर आप पास से देख पाएँ तो T1 टोन, पियानो टोन लिखी है। और बाकी सारे काफ़ी डिफरेंट T2 वॉयलन, बैंजो, बेल और ऑर्गन साउंड्स ये सारे हैं। तो T1 इसमें डिफ़ॉल्ट में पियानो साउंड सेट है। और आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ये T2 बटन से आप इसको, इसके साउंड्स आप देख सकते हैं चेंज हो रही हैं। T3, T4, T4 पे आपको इसमें ट्रम्पेट का मिलेगा, ट्रम्पेट साउंड ऐसे प्ले होगी। इस तरीके से आप ये सारे साउंड्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये राइम्स वाले बटन जो मिल रहे हैं, यहाँ पर आप R1 प्रेस करेंगे तो ये बजेगा राइम। इसको आप ये स्टॉप बटन के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। R2 प्रेस करेंगे तो ये रॉक बजेगा म्यूज़िक, इसको भी आप स्टॉप कर दीजिए। R3, R4, R5, R7, R8 ये सारे आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम फोर प्रिकॉशंस। तो फोर प्रिकॉशंस हमारे ये हैं। इसमें आपको ड्रम और एनिमल मिलता है। तो ये ड्रम एनिमल इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये एनिमल की डॉग साउंड, फ्रॉग साउंड, डक साउंड और बर्ड साउंड है। डक, बर्ड एंड आप इसको अगेन प्रेस करेंगे तो ड्रम के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्रम और ये सब इसमें ऐसे प्ले होंगे। नेक्स्ट ये आपके वॉल्यूम अप डाउन बटन है, यहाँ से आपकी वॉल्यूम अप होगी और ये वॉल्यूम डाउन है, तो यहाँ से आपकी वॉल्यूम डाउन हो जाएगी जितना आप करना चाहें। एंड ये टेम्पो अप डाउन, आप इसी तरह इसके टेम्पो को बढ़ा सकते हैं और टेम्पो को डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर हैं ये इसके डेमो बटन्स, डेमो A, B, C। तो यहाँ पर आपको कुछ ये साउंड्स मिलेंगे, इसको आप इसके थ्रू प्ले करके स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये मिल जाता है रिकॉर्ड बटन। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम ये रिकॉर्ड बटन को पहले प्रेस करेंगे।
और मैं आपको एक धुंध लेकर के दिखाती हूँ हैप्पी बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आप प्ले करेंगे, देखिए इस तरीके से आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड ये माइक्रोफोन आप यहाँ इस जैक में इस माइक्रोफोन को अटैच करेंगे और आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ से इसके स्पीकर्स के थ्रू इसकी साउंड रिफ्लेक्ट होती है, मतलब थोड़ी बढ़कर के साउंड आती है। तो आप इसके थ्रू अपने बच्चे को कोई भी सॉन्ग या कोई भी राइम बुलवा सकते हैं, जिससे बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे फ्यूचर के लिए रेडी होते हैं। कहीं पर भी उन्हें परफॉर्म करना हो, कोई सॉन्ग गाना हो, किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी हो, तो उसके लिए बच्चों में काफ़ी आउटस्पोकन क्वालिटीज़ इसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस पैंडेमिक टाइम में आप इन्जॉय कीजिए, बच्चों को अच्छे म्यूज़िक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। तो अगर आपको ये अनबॉक्सिंग और इसके कंप्लीट फीचर का रिव्यू वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसके थ्रू अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।